सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। राज्यसभा के उपसभापति के लिए 9 अगस्त को होने वाले चुनाव पर अपने पत्ते खोलते हुए बीजू जनता दल प्रमुख और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि उनकी पार्टी राजग उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह का समर्थन करेगी। मुंबई से वापसी पर पटनायक ने संवाददाताओं से कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझसे बात की है और राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव में हम जदयू उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। पटनायक ने कहा, बीजेपी इसलिए जदयू का समर्थन करेगी क्योंकि दोनों जयप्रकाश नारायण आंदोलन की पैदाइश हैं। लेकिन जब कांग्रेस के उम्मीदवार उड़ीसा के प्रभारी थे तब उनके बयान हमेशा बीजेपी के लिए कटुतापूर्ण होते थे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित कई नेताओं ने इस संबंध में उनसे बात की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष नवीन पटनायक से बातचीत कर राज्यसभा में उपसभापति पद के चुनाव में राजग उम्मीदवार के पक्ष में बीजेपी का समर्थन मांगा था। बातचीत के बाद सूत्रों ने कहा था कि पटनायक मतदान से महज एक घंटे पहले राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव पर बीजेपी के रुख की घोषणा कर सकते हैं। राज्यसभा में बीजेपी के नेता प्रसन्ना आचार्य ने बताया कि राजग उम्मीदवार सिंह ने बुधवार को संसद में बीजेपी के राज्यसभा सदस्यों से भेंट की और उनसे उनका समर्थन मांगा। न्यूज टाइम्स के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट।